नमस्कार साथियों, सीबी क्वालिटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास सीसी यानी करेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे बनेगा, कहां बनेगा, पूरा दोस्तों विस्तार से कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। सही एकदम पूरी गाइडलाइन आपको मिलने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत लोगों ने कमेंट ये भी किया है कि यूपी आईटी मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो फाइनली दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है कि यूपी आईटी की मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो फाइनली आपको बता दें, यहाँ पे एक संभावित तिथि बता दे रहे हैं, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 31 जुलाई इसकी जो है लास्ट डेट है आईटी एडमिशन की। अगर ये डेट बढ़ती नहीं है तो फाइनली मान के चलिए कम से कम 15 दिन के बाद यानी 15 अगस्त के आसपास जो है, 15 अगस्त के आसपास जो है इसकी जो है मेरिट लिस्ट आने की, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आने की संभावना है। अगर आगे पीछे दोस्तों अगर कोई डेट आती है तो आपको तुरंत सूचित किया जाएगा, इसीलिए बेफिक्र रहिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं, बेल आइकन प्रेस किए हैं तो आपको सही गाइडलाइन पूरी विस्तार से उसको मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ पे ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जिनके पास जो है टीसी और जिनके पास सीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कैसे कहाँ से बनवाएंगे टीसी और सीसी। आपको बता दें कि जिन्होंने 10 जो है इसी साल अगर पास किया है और 10 पास करके जो है अगर आईटीआई करना चाह रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस बार फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास तो उसके स्कूल से टीसी और सीसी दोनों मिल जाएगा। लेकिन जो 12वीं पास करके कर रहे हैं या फिर जो है ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम अगर पास करके कर रहे हैं या फिर जो है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया कुछ दिन के बाद उससे बात कर रहे हैं, तो उनके पास अगर टीसी सीसी नहीं है तो कैसे वो कहाँ से लाएंगे, आइए पूरा विस्तार से आपको बता दें कैसे आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टीसी और सीसी नहीं है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है और करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि अगर मान लीजिए अगर आपने 10वीं पास किया है, ठीक है, और 10वीं पास करने के आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास टीसी और सीसी दोनों मिल जाएगा, आपके कॉलेज से वहाँ से जाके आपको निकाल लेनी है। ये बात ध्यान रखेंगे, टीसी और सीसी ये दोनों ज़रूरी है। जब आपका काउंसलिंग होगा उस टाइम पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों आपको जमा होगा, ओरिजिनल जमा होगा। इसीलिए दोस्तों, आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो आपका ये ध्यान रखेंगे आप एडमिशन से वंचित हो सकते हैं, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। तो फाइनली आपके पास ये तो हो गया। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए 12वीं पास अगर आप आवेदन किए हैं, ठीक है, अगर आप जो है आप 12वीं पास आवेदन किए हैं और आपके पास जो है टीसी नहीं है तो दोस्तों आपको बता दें कि आप जो है 12वीं की टीसी भी जमा कर सकते हैं। ध्यान दोस्तों, 12वीं की टीसी अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो आपने अगर 12 पास करके आवेदन किया आईटीआई में तो आप जो है से आप पास किए हैं इंटर, वहीं से आप टीसी मिल जाएगा, वहीं से आपको सीसी भी मिल जाएगा, मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको वहीं से मिल जाएगा, आप वहाँ से दोस्तों ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है अगर उनका जो है टीसी नहीं है तो कैसे करेंगे। पहली बात बता दें आपको कि आप जो है अगर मान लीजिए आपके पास ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट या फिर जो है करेक्टर सर्टिफिकेट और जो टीसी नहीं है, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, तो आप जो है अपने विद्यालय से जहाँ अपने आपने हाई स्कूल पास किया था वहाँ से आप दूसरी प्रति जो है आप निकलवा सकते हैं। जहाँ तो अगर आपके पास टीसी नहीं है तो अपने विद्यालय से जहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया है वहाँ से आप दूसरी प्रति भी आईटीआई के जो है टीसी की और सीसी के ले सकते हैं। दूसरी प्रति अभी आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके विद्यालय से दूसरी प्रति मिल जाती है। दोस्तों कोशिश यही करते हैं कि हम जो है पहले जो टीसी होती है वही जमा करें, जो फर्स्ट लिस्ट आती है नाम उसमें अगर वही जमा करते हैं पहले जो टीसी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो आपको जो अगर दूसरी टीसी जमा कर रहे हैं तब भी आपको थोड़ा सवाल जवाब किया जाएगा कि भाई पहले टीसी अभी कहाँ चले गए, है ना, तो वहाँ से थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं, कुछ कि आपका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन हो जाएगा। तो दूसरी प्रति भी आप जमा कर सकते हैं। नहीं तो बता दें कि चाहे आप जो है 10वीं पास किए हैं, चाहे 12वीं पास किए हैं, चाहे आप जो है बीए बीएससी किए हों, यानी आप जो है आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं, अगर आप जो है ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका लास्ट ईयर का जो टीसी होगा, लास्ट ईयर का मतलब कि जो आप लास्ट ईयर में किए होंगे, चाहे आप इंटर पास किए हों, चाहे बीए बीएससी पास किए हों, अगर आप कंप्लीट हो चुका है लास्ट ईयर का, आपको जो आपके पास डिग्री मिल चुकी है तो आपके पास जो है टीसी और सीसी वही आपका लग जाएगा, चाहे बीए किए हों, चाहे बीकॉम किए हों, चाहे बीएससी किए हों, चाहे इंटर पास हों, आपका वही जो है लग जाएगा, चाहे आप जो भी आप दोस्तों किए हों। तो अगर दोस्तों आपके पास टीसी नहीं है, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है अपने विद्यालय से जाके बनवा सकते हैं जहाँ से आपने पढ़ाई कंप्लीट किया है, चाहे आप जो है इंटर पास कर लिए हों, ठीक है, चाहे आप जो है बीए पास कर लिए हों, चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम जो भी पास कर लिए हों, या फाइनली जो है अगर आप इंटर पास अभी नहीं है या फिर आप बीए जो है बीए पास नहीं है और आप जो है इस बार आईटीआई कर रहे हैं कंप्लीट नहीं है तो आपको पिछले अपने जो है अपने जहाँ से किया है, जैसे मान लो आप अभी 12 कर रहे हैं और आईटीआई का फॉर्म भर दिए हैं या फिर बीए कर रहे हैं और
आईटी के फॉर्म भर दिए हैं। तो अगर आप बीए किए हैं तो आप इंटर का टीसी लगा सकते हैं, आप जहां से इंटर पास किए वहां से जाके आप ले सकते हैं, उसकी दूसरी प्रति आप जो है टीसी निकलवा सकते हैं। जहां से आप इंटर पास किए हैं वहां से दूसरी प्रति निकलवा सकते हैं, और जहां से आपने इंटर हाई स्कूल पास किया है वहां से आप दूसरी प्रति निकलवा के जो है आईटीआई में जमा कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत दोस्तों आपको नहीं होगा। दोस्तों आई होप कि मैंने आपको पूरा जवाब देने की पूरी कोशिश किया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।